हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक. दिस इज़ नीलम. पैटर्न्स है हमारा आज का टॉपिक. सो पैटर्न्स क्या है? जब भी कुछ शेप्स, नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स रिपीट होते हैं किसी रूल्स के अकॉर्डिंग या कोई सीक्वेंस बनाते हैं तो उसे हम पैटर्न कहते हैं. ओके, वो सीक्वेंस जो है वो पैटर्न होता है. सो पैटर्न्स में मोस्टली जो है हम लेते हैं शेप्स, ठीक है, या फिर नंबर्स. नंबर्स का पैटर्न हमें देखने को मिलता है या फिर अल्फ़ाबेट्स का मिलता है. तो इसमें कोई भी जो है, इनमें से कोई भी एक शेप, नंबर या अल्फ़ाबेट जब भी रिपीट होता है अकॉर्डिंग टू एनी रूल तो एक सीक्वेंस बनता है. और वो सीक्वेंस जो है किसी रूल के अंडर होता है. ओके, उस सीक्वेंस को हम पैटर्न कहते हैं. ओके, जैसे कि नेचर की अगर हम बात करें तो हमारे नेचर में भी कुछ एक चीज़ें जो हैं उसमें भी पैटर्न्स बने हुए हैं. दे आर फुल ऑफ पैटर्न. जैसे कि हम बात करते हैं एक फ्लावर की, तो आप उसके पेटल्स अगर देखोगे तो उसके पेटल जो है अगर फ्रंट में स्मॉल साइज़ के होंगे तो सभी स्मॉल साइज़ के होंगे. उसके नेक्स्ट जो लेयर होगा वो उससे थोड़ा बड़ा होगा, उससे नेक्स्ट का लेयर बड़ा होगा. या हम लीफ की बात करते हैं तो उनका भी पैटर्न जो है एक मतलब वो भी एक रूल के अकॉर्डिंग जो है एक पैटर्न फॉलो करते हैं. तो नेचर में भी ऑटोमेटिकली पैटर्न वाला रूल जो है वो फॉलो हो रहा है. मैथमेटिक्स में पैटर्न्स को किस तरह से फॉलो किया जाता है? अगर हम बात करते हैं नंबर्स की, ओके, मोस्टली जो आपसे सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है पैटर्न्स के लिए वो मोस्टली नंबर्स को लेके किया जाता है. जैसे कि मैं बात कर रही हूँ नंबर्स पैटर्न की, तो मान लो कि मैंने एक पैटर्न फॉलो किया है लाइक 1 × 8 + 2. ओके, और मैं यहाँ पे 1 × 9 + 2 कर लेती हूँ ताकि ये थोड़ा और क्लियर हो जाए. ओके, 1 × 9 + 2 मैंने किया तो ये हो गया मेरा 11. 9 × 9 = 11 हो गया, ठीक है. इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 12 × 9 + 3, तो ये मेरा हो जाता है 111. उसके बाद मैं कर रही हूँ 1 × 3 × 9 + 4, 111. तो इस तरह से एक पैटर्न बन रहा है, पहले 11 का, फिर 111 का, फिर 1111 का. तो ये एक पैटर्न बन रहा है और इधर भी एक पैटर्न बन रहा है. पैटर्न क्या है आप इसको समझो. ये नंबर जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं, यहाँ पे प्लस वन हो रहा है, 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4. ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है, ठीक है. यहाँ पे 1 × 9 है, फिर यहाँ पे हमने 1 × 2 × 9 कर दिया, फिर 1 × 2 × 3 × 9 कर दिया. तो अगर मैं यहाँ पे अब लिखती हूँ 1 × 2 × 3 × 4, ओके, इंटू नाइन प्लस, क्योंकि पैटर्न में प्लस वन हो रहा है तो मैं यहाँ 5 कर दूँगी. तो यहाँ अब अगर मुझे आंसर नहीं दिया गया है या मुझसे पूछा गया है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो मैं इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ूंगी. जैसे यहाँ 11 था, फिर 111 हो गया, फिर 1011 हो गया. सो यहाँ पे 11111 हो जाएगा. मींस अगर आप इसको सिंपली ऐसे कहेंगे कि यहाँ पे 1 जो है 2 टाइम्स है, यहाँ 1 3 टाइम्स है, यहाँ 1 4 टाइम्स है, तो यहाँ 1 5 टाइम्स होगा. अगर मैं अब आपसे पूछूँ कि ये मैं लिख रही हूँ 1 × 2 × 3 × 4 × 5, ओके, 9 + 6 अगर मैं लिख रही हूँ तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आपने देखना है कि पिछला जो पैटर्न है उसमें 1 कितने टाइम लिखा गया है, 5 टाइम्स लिखा गया. तो सिंपली यहाँ आप उसको 6 टाइम्स कर दो. यही पैटर्न बन रहा है, एक एक इंक्रीज़ हो रहा है इसमें. तो इस तरह से पैटर्न्स बनते हैं. तो आपको एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि मान लो ये आपको एक पैटर्न दिया होगा, ठीक है. तो यहाँ से अगर मैं ये वाली जो चीज़ है वो इरेज कर देती हूँ, ओके, तो आपको ये फिल करके बताना है कि यहाँ पे इस पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे क्या आना चाहिए. तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए, बहुत सिंपल है. तो आपको पिछली चीज़ देखनी है, उसको फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना है. ये एक नंबर्स का पैटर्न है. अभी मैं क्वेश्चन ले रही हूँ एक, ये एक पैटर्न है 1 + 3 = 4 = 2 × 2, 1 + 3 + 5 = 9 = 3 × 3, 1 + 3 + 5 + 7 = 16, देन = 4 × 4. मीन्स 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. सो उसको हमने लिख लिया 2 × 2 = 4. 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, सो 3 × 3 = 9.
नाइन के बाद जो है 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है. नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, हमें वैसे इससे भी हमें आइडिया लग जाता है कि 4, 9, 16 के नेक्स्ट जो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है वो हमें पता है 25 होता है. अगर आपको नहीं पता है तो आप इस पैटर्न को फॉलो कीजिए, 1 + 3 + 5 + 7. तो यहाँ पे 5 था प्लस 7 हो गया, अब यहाँ पे प्लस 7 है तो यहाँ प्लस 9 हो गया. अगर आपको 25 नहीं पता तो आप जल्दी से इनको ऐड कर सकते हैं, 5 + 3 + 4 = 1, 9, 9 और 7 हो गया 16, 16 प्लस 9 हो गया 25, 25 इक्वल टू 5 × 5. तो ये आपको एक हिंट दे रहा है, वैसे तो अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर का नॉलेज है ये आपको एक हिंट दे रहा है 5 × 5 है. अब अगर मैं नेक्स्ट पैटर्न को फॉलो करूँगी तो मैं यहाँ पे इधर से नहीं करूँगी, ये लॉन्ग होगा. आपको ये भी एक हिंट दे रहा है, देखो पहले यहाँ 2 स्क्वायर था, फिर 3 स्क्वायर था, फिर 4 स्क्वायर था, फिर 5 स्क्वायर था. नेक्स्ट अगर मैं लूँगी तो 6 का स्क्वायर होगा, वो 36 होगा. तो यहाँ पे क्योंकि 1 इंक्रीज करके ऐड हो रहा है तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे. सॉरी ये रॉन्ग हो गया, इसको हमने कैसे ले रहे थे, ऑड नंबर है ये सिर्फ, ठीक है. तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं इधर से, ताकि कंफ्यूज ना हो, 7 + 9 + 11 हो गया. सो पैटर्न भी कंप्लीट हो रहा है और यहाँ पे हमें ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है. तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, इजी है. या तो आप इसको यहाँ से फॉलो कीजिए, जहाँ से आपको ये समझ आ रहा है वहीं से उसको शुरू कर लीजिए. और अगर ये भी समझ नहीं आ रहा है, ये भी समझ नहीं आ रहा है, तो इसको इंक्रीज करते चलिए, बस वही पैटर्न आगे को बढ़ाते चले जाना है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. ये आपको एक पैटर्न दिया होगा और आपको ये इस ब्लैंक में फिल करके बताना है कि क्या आएगा. जैसे यह 1 × 1 = 11 है, ये पैटर्न दिया हुआ है. 1 × 1 = 11 नहीं होता है, लेकिन ये एक पैटर्न दिया हुआ है कि इस तरह से आपको दिया है, आगे आपको बताना है क्या आएगा, ठीक है. फिर यहाँ पे 11 × 11 हो गया. फिर यहाँ पे 2 बार 1 1 था, यहाँ पे 3 × 1 1 हो गया, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 3 × 1 था, यहाँ 4 × 1 आएगा. और यहाँ क्या आएगा, यहाँ 4 × 1 है तो यहाँ 5 × 1 आएगा. ये पैटर्न हमने फॉलो कर लिया, इसको हमने कंप्लीट कर लिया. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 1 1 था, फिर यहाँ बीच में इनके 2 आ गया, ठीक है. फिर इसके बाद यहाँ 1 2 है, फिर यहाँ पे 3 आ गया, और इसके बाद 2 1 कर लिया. तो ये चीज़ जो है इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है, ये आपको देखो यहाँ पे. अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 ओके, क्योंकि हम ये चीज़ जो है यहाँ ले रहे हैं और यहाँ उसको उल्टा कर दे रहे हैं. यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 2 1 आ गया सेम. यहाँ पे 1 1 था, यहाँ बीच में 2 आ गया. फिर हमने इसको इधर भी लेना है, इसको उधर को रिवर्स करके भी लेना है. सो यहाँ 1 2 12 आ गया, और यहाँ पे ये अगर इस 1 के साथ हम ले रहे हैं तो ये 12 आ गया, इसके 1 के साथ ले रहे हैं तो 21 आ गया. और बीच में हमने 3 डाल दिया, यहाँ पे हम बीच में 4 डाल देंगे. इस 3 को इसके साथ भी ले लेंगे, इस 3 को इसके साथ भी ले लेंगे. अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, ये 4 इसके साथ भी लेंगे, ये 4 इसके साथ भी लेंगे. सो ये आ जाएगा 1 2 3 4 ओके. और बीच में हम डाल देंगे 5, और इस 4 को इधर भी लेंगे तो ये आ जाएगा 4 3 2 1. ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया. तो इस तरह से हमारा आंसर जो है यहाँ पे आएगा. इस तरह का क्वेश्चन जो है आपका सीटेट में एक बार आ चुका है एग्ज़ाम में, आई थिंक 2013 में आया था शायद, इसी तरह का एक क्वेश्चन आया था. तो उसमें से एक नंबर मिसिंग था और आपको बताना था कि उस मिसिंग पोजीशन में जो है ऑप्शन में से कौन सी चीज़ आएगी. ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आ चुका है, तो इसको आप समझ लीजिएगा, बहुत ही ईजी है, फ्री का मार्क्स है ये. तो नेक्स्ट हम कर लेते हैं कि पैटर्न में और क्या किस तरह से तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इसमें आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं. ओके, ट्रायंगुलर नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम किसी भी शेप में अगर अरेंज करें तो वो एक ट्रायंगल के फॉर्म में आए. ओके, डॉट्स की हेल्प से या सर्कल्स की हेल्प से अगर उन नंबर्स को हम अरेंज करें तो वो जो शेप बनेगा वो एक ट्रायंगुलर शेप बनेगा, उनको ट्रायंगुलर नंबर्स कहते हैं. जैसे कि 1 एक ट्रायंगुलर नंबर है, 3 एक ट्रायंगुलर नंबर है,
ठीक है, 6 एक ट्राइंगुलर नंबर है, 10 है, 15 है, अप टू सो ऑन, मीन्स ये जो है ट्राइंगुलर नंबर्स माने जाते हैं. क्यों ये ट्राइंगुलर नंबर्स माने जाते हैं? क्योंकि अगर हम इनको डॉट्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 को हम एक इस तरह से डॉट में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो ये इसको इसमें से अगर हम इसको मिलाएंगे तो एक ट्राइंगल का शेप बनता है. 3 में हम अगर 3 डॉट्स लेते हैं तो उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1, 2, 3. ओके, तो आप देखोगे कि ये भी एक ट्राइंगल शेप जो है वो बना रहा है. अगर हम 6 की बात करते हैं तो हम देखेंगे 1, then 2, 3 हो गया, 4, 5, 6. इसको जब हमने अरेंज किया तो इस तरह से ये भी एक ट्रायंगुलर फॉर्म में बन गया. अगर हम बात करते हैं 10 की, सो 10 में क्या हो जाएगा, 1 plus 2 plus 3 plus 4. देख लीजिए ये 10 डॉट्स हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 plus 2 plus 3 plus 4 1 plus 2 3 3 plus 3 6 6 plus 4 10. 10 डॉट्स से हमें एक शेप बनाया जो एक ट्रायंगुलर शेप बन रहा है. यहाँ पे हमने किया है 1 plus 2 plus 3, ओके, और यहाँ पे हमने किया है 1 plus 2 और यहाँ पे है 1, ओके. सो 1 1 plus 2 1 plus 2 plus 3 equal to 6 हो गया, ये इक्वल टू 3 हो गया, ये इक्वल टू 10 हो गया. नेक्स्ट अगर हम 15 के लिए करेंगे तो आएगा 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, ओके, ये आ जाएगा 15. और इसी तरह से शेप भी बनेगा, पहले में 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ठीक है, फिर 4 आएगा और उसके बाद 5 आएगा, ओके. तो इसको अगर आप प्रॉपरली अरेंज करेंगे तो ये एक ट्रायंगुलर शेप बन रहा है. तो इन नंबर्स को जो है हम ट्रायंगुलर नंबर्स कहते हैं. अगर आपसे पूछा देखा जाए, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो किस तरह का पैटर्न बन रहा है, 1 प्लस यहाँ पे मैं लिखूँगी फिर से इन नंबर्स को, ठीक है, 10 15, ओके, 1 plus 2 यहाँ पे 3 हो रहा है, 3 plus 3 यहाँ पे 6 हो रहा है, 6 plus 4 यहाँ पे 10 हो रहा है, 10 plus 5 यहाँ पे 15 होगा. तो नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा, 21, ये नेक्स्ट है, ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस 6 था, यहाँ पे प्लस 7 होगा, तो नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा, 21 plus 7 29, ओके, देन 28. अगर हमें इसका नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर फाइंड आउट करना है तो हम प्लस 8 करेंगे. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ट्रायंगुलर नंबर्स इंक्रीज किस तरह से हो रहे हैं. द पैटर्न इज़ प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4. द नंबर जो भी नंबर है प्रीवियस नंबर उसमें प्लस ये करना है हमें और हमें नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर मिल जाएगा, ओके. और आपको अगर ये बोल रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर है, इसको हम T1 बोलेंगे, इसको हम T2 बोलेंगे, इसको हम T3 बोलेंगे, ये T4 है, मींस फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर, सेकंड ट्रायंगुलर नंबर, थर्ड ट्रायंगुलर नंबर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, ओके. इस तरह से हम इनको पढ़ते हैं. हमारा फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर क्या है, 1 है, आपको ये पता होना चाहिए. अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द 10th ट्रायंगुलर नंबर, ओके, या व्हाट विल बी द 20th ट्रायंगुलर नंबर, तो आप 20th ट्रायंगुलर नंबर यहाँ पे कैसे निकालोगे, इसका एक शॉर्टकट है. आपको ये पता है T1, T2, T3 है, तो हम इसको ऐड करते हुए करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा. 20th ट्रायंगुलर नंबर के लिए हमारा फॉर्मूला होगा, ट्रायंगुलर नंबर्स का फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ, ये आपको क्लियर हो गया है. किसी भी ट्रायंगुलर नंबर को निकालने के लिए फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1, क्योंकि प्लस 1 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो प्लस 1 करेंगे. Tn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. जैसे कि अगर हमें 20th ट्रायंगुलर नंबर फाइंड आउट करना है तो हो जाएगा n, यहाँ पे 20 है, 20 इंटू n प्लस 1 हो गया 21 डिवाइडेड बाय 2, 2 से ये 10 कैंसिल हो गया, 21 इंटू 10 इक्वल टू 210. सो अवर 20th ट्रायंगुलर नंबर विल बी 210 पैटर्न में, ओके. तो इस तरह से ट्रायंगुलर नंबर का आई होप आपको आइडिया हो गया होगा क्या होता है ट्रायंगुलर नंबर. और एक चीज़ और इसमें हमें मिलती है देखने को, जैसे मैंने आपको बताया था 1, 3, 6, 10, 15, 21, ये ट्रायंगुलर नंबर्स हैं, ओके. तो यहाँ पे हमने प्लस 2 किया था, यहाँ पे हमने प्लस 3 किया था, यहाँ प्लस 4, यहाँ प्लस 5, यहाँ प्लस 6,
नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर के लिए. अगर आप देखें तो इसको 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 तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई है. अगर हम जो कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर है अगर हम उनको प्लस करते हैं, जैसे 1+3 है तो ये 4 होगा, 3+6 9 होगा, 6+10 16 होगा, 10+15 25 होता है, 15+21 जो है वो 36 होता है. ठीक है, तो जब हम दो ट्रायंगुलर नंबर्स को दे शुड बी कंजेक्टिव, मीन्स दिस शुड बी कंजिक्यूटिव और कंजेक्टिव, वट एवर यू से. और कंजेक्टिव का मतलब है लगातार होने चाहिए, जैसे 1+3 लगातार हैं, 3+6 लगातार हैं. जब इनको हम प्लस करते हैं तो जो हमें नंबर मिलता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है. जैसे 4 है वो 2 का स्क्वायर है, 9 है वो 3 का स्क्वायर है, 16 है 4 का स्क्वायर है, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है. ओके, तो दो कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करने पे हमें क्या मिलता है, परफेक्ट नंबर मिलता है या हमें स्क्वायर नंबर मिलता है. तो स्क्वायर नंबर भी एक सीरीज में आता है. ओके, द फर्स्ट स्क्वायर नंबर इज 1, सेकंड स्क्वायर नंबर इज 4, थर्ड इज 9 16 25 36, लाइक. ठीक है, ये हमारे स्क्वायर नंबर्स हैं. तो जैसे कि ट्रायंगुलर नंबर्स की आपसे सीरीज पूछी जाती है, वैसे ही स्क्वायर नंबर्स की भी आपसे सीरीज पूछी जा सकती है, उसका भी एक पैटर्न पूछा जा सकता है. जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्क्वायर नंबर्स की, तो नंबर्स लाइक 1 4 9 16 and so on आर स्क्वायर नंबर्स. ओके, बिकॉज दे कैन बी अरेंज इन द शेप ऑफ द स्क्वायर बाई यूजिंग द डॉट्स. लाइक 1 को तो हम एज इट इज़ छोड़ देते हैं, 4 के लिए हमें 4 डॉट अरेंज करने हैं तो हम उसको ऐसे करेंगे. तो अगर हम 4 डॉट्स को अरेंज कर रहे हैं तो एक स्क्वायर का शेप बन रहा है. 9 डॉट्स को अगर हम अरेंज कर रहे हैं तो 3 3 9 होता है. ठीक है, तो 3 कॉलम्स एंड 3 रोज होंगे तो ये भी एक स्क्वायर बन रहा है. 4 4 16 होता है, तो 4 कॉलम्स एंड 4 रोज होंगे इसमें. ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, 16 डॉट्स को हमने अरेंज किया है और वो एक स्क्वायर बना रहे हैं. तो दीज नंबर्स आर स्क्वायर नंबर्स. ओके, तो नेक्स्ट स्क्वायर नंबर जो है, अगर आपसे इस तरह का पैटर्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर, द नेक्स्ट नंबर विल बी 5 5 25, नेक्स्ट विल बी 6 6 36, देन 7 7 49, लाइक इस तरह से जो है ये स्क्वायर नंबर का एक पैटर्न बनता है. तो ये हमारा हो गया पैटर्न इन नंबर्स. क्लियर हो गया है, आई होप आपको पैटर्न इन नंबर क्लियर हो गया होगा इन एग्जांपल्स के थ्रू. कई बार जो है इस तरह के बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पैटर्न्स में. कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर पैटर्न्स. सो आप देख सकते हैं 5 है, 15 है, 25 है, 35 है. सो प्लस 10 है यहाँ पे जो चेंज है, प्लस 10 का है. सो 35 आफ्टर 45 आएगा, 45 आफ्टर 55 आएगा. इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे. यहाँ पे हम देखेंगे 7+2 9 है, 9+2 11 है, +2 है. तो यहाँ पे 13 के बाद 15 आएगा, 15 के बाद 17 आएगा. यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि 2 है, फिर 9 है, फिर 16 है, फिर 23 है. तो 2+7 9 9+7 16 16+7 23, तो 23+7 हो जाएगा 30 30 और 37. तो इस तरह से इस क्वेश्चन सिंपल वे में पूछे जा सकते हैं. तो आज के वीडियो में हमने नंबर पैटर्न्स किया है. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका थोड़ा सा पैटर्न्स में और लेके चलूँगी कि पैटर्न्स, शेप्स का पैटर्न्स क्या हो सकता है. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शेप में भी आ जाता है कई बार पैटर्न्स, तो या फिर और किस वे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो हम नेक्स्ट वीडियो में पैटर्न को, जो चैप्टर है हमारा, उसको कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इससे, लेकिन फिर भी जो है एक और वीडियो लेके चलेंगे हम पैटर्न्स का. तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स. सो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका जितना ज़्यादा शेयरिंग होगा, जितने ज़्यादा मुझे कमेंट्स मिलेंगे, वो मेरे लिए मोटिवेशन होगा आगे बढ़ने के लिए. ओके, सो जो नए लोग हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि नए लोग जुड़ रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हैं तो मुझे पता नहीं चल रहा है उनके बारे में. तो कमेंट जरूर कीजिए, और जो अगर फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक. बाय बाय.